हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटराज क्लासेस। तो हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव पार्ट टू देख लेते हैं। तो इसमें जो हैं वो रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, देखो एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे आईटी के वगैरह, इंटरनेट के वगैरह जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मिशंस लॉन्च किए जाते हैं, वो इस डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं। और इस मिनिस्ट्री के अंडर कौन सा डिपार्टमेंट होता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, DOT शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। अब रिसेंटली नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है असेस है एक टू ऑल विलेजेस, ठीक है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो है वो एक असेस देनी है सब विलेजेस को बाय 2022 तक, ठीक है। ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है? ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा सभी विलेजेस को बाय 2022 की एंड तक, ठीक है। 30 लाख रूट किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये क्या करेगा? 30 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएंगी एंड इंक्रीज इन टावर डेंसिटी। जो टावर्स होते हैं जगह जगह पे, आपने देखा होगा टावर्स लगे होते हैं, बड़े सारे टावर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये इंक्रीज करेंगे डेंसिटी फ्रॉम 0.42 टू 1.0 टावर पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पर थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से ये पहले जो था वो 0.42 था, 1.0 टावर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन बाय 2024 तक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये ब्रॉडबैंड मिशन जो है ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगा, एसेस देगा सब विलेजेस को 2022 तक देगा, ठीक है। तो जो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल और इंक्रीज टावर डेंसिटी, जितनी ये इंक्रीज करेंगे, टावर्स ज़्यादा लगाएंगे पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये जो टारगेट है इनका कब तक ख़त्म होना है? ये मतलब 2024 तक होएगा, ठीक है। तो ये जो मिशन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये इसके कुछ पर्पस हैं, ये क्यों बनाया गया है तो थोड़ा हम इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। ये तो एक तो ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट, ठीक है। बड़े सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अच्छे नहीं होते, जहाँ पे मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं ना, जो तारें बिछी होती हैं वो नहीं होती हैं, मतलब वहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है वो होती नहीं है। और कहीं कहीं पे तो अभी तक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुँची है, कुछ ऐसे विलेजेस भी हैं। तो इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और टावर लगाए जाएंगे बड़े सारे और ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे, ठीक है। अभी तो 30 लाख इन्होंने कवर करना है रूट किलोमीटर के हिसाब से, कब तक करेंगे ये जो मैंने बताया 2024 तक। लेकिन ये क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट। उसके बाद क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, ये क्या करेंगे? क्रिएशन करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब ये टावर लगाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाएंगे ज़मीन के नीचे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उसी के अंडर आएगा। अब टावर लगाना, वायर्स बिछाना, वो सब क्या होता है? वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और सर्विसेज होती है, सर्विसेज जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सर्विसेज हर एक मतलब जो टावर है BSNL वालों का, जियो का, एयरटेल का, तो वो सब क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वो वायर्स फार फ्लंग एरियाज़ में बिछाएंगे, मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या रहेगा? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है NBM, NBM नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है। NBM क्या करेगा? गिव्स एम्फिसाइज ऑन 3 प्रिंसिपल्स। इसके 3 प्रिंसिपल्स रहेंगे यूनिवर्सली, मतलब यूनिवर्सली इसको क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एक स्टेट के लिए है, ये सबके लिए है, मतलब फार फ्लंग एरियाज हो, मतलब रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, सबके लिए है। यहाँ पे ये यूनिवर्सैलिटी करेगा, एफोर्डेबिलिटी मिलेगी सबको, मतलब सब एफर्ड कर पाएंगे, चाहे वो कोई गरीब हो अमीर हो, वो नहीं मैटर करेगा, सबको कनेक्टिविटी मिलेगी। और क्वालिटी,
क्वालिटी क्या रहेगी, कहीं कहीं पे लोगों के पास फ़ोन हैं, सिम्स हैं, लेकिन कनेक्शन इतना ख़राब है कि मतलब सिग्नल ही सिम के नहीं आते, तो ये क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा और एफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी सबको, सब एफर्ड कर पाएंगे। उसके बाद है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। अब इसके विज़न क्या रहेंगे, टू फास्ट ट्रैक ग्रोथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। ये बड़ी तेज़ी से डिजिटल कम्युनिकेशन की ग्रोथ करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, डिजिटल एम्पावरमेंट होएगी। डिजिटल एम्पावरमेंट कैसे होगी, जब हर किसी को स्मार्टफोन यूज़ करना आएंगे, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर पाएगा। अब बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मतलब बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो ATM कम यूज़ करते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऑनलाइन बिल पे नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें डिजिटली एम्पावरमेंट कब होएगी, जब लोगों को मतलब ऑनलाइन चीज़ों का पता चलेगा, ऑर्डर करने का, मंगवाने का, बिल पे करने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, डिजिटली एम्पावरमेंट मिलेगी सोसाइटी को, ठीक है, और एक नॉलेज इकोनॉमी जनरेट होएगी। और इसमें क्या रहेगा, इंक्लूजन्स रहेगा, मतलब इसकी जितनी भी रिप्रोडक्शन होएगी, मतलब ये प्रोवाइड करेगा क्या, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, ठीक है, ये सबके लिए है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने सिर्फ ना तो इन्होंने सिर्फ जियो के टावर लगाने हैं, ना तो एयरटेल, इन्होंने सबके लगाने हैं, मतलब इक्वली लगाने हैं, और सबको जो ब्रॉडबैंड है वो मिलेंगे, मतलब अच्छी कनेक्टिविटी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो है भारत नेट प्रोजेक्ट। देखो ये जो इनिशिएटिव है ये 2020 का है, जो हमने पहले वाला डिस्कस किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये भी 2020 का है। तो ये जो हम डिस्कस करेंगे ये भी 20 का ही है, ठीक है। जो हमने पहली वाली स्लाइड्स डिस्कस की थी, फर्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमने थोड़ा पुराना डेटा बताया था आपको, पुराने जो भी इनिशिएटिव्स थे। अभी हम रिसेंट मतलब एक वीडियो में हम पुराने डिस्कस करेंगे, एक में हम नए करेंगे, तो मतलब आपको आसानी रहेगी, थोड़ा मतलब बोरिंग भी नहीं लगेगा इतना ज़्यादा मतलब पुराना कंटेंट पढ़ने में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा वो हमें भी नहीं पता। भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट मतलब रिसेंट है, इट प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत के लिए है, ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी किसको, ग्राम पंचायत को, ठीक है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मैंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको पिछली स्लाइड में भी बताया है, अभी भी थोड़ा बता देती हूँ कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं वो नेटवर्क पहुँचाती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो हमने मतलब नेटवर्क्स दूर दूर भेजे होते हैं, बड़े ऐसी मतलब एरियाज में जहाँ पे नेटवर्क नहीं होते, तो ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाती हैं जिसके ज़रिए वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड ए मिनिमम, देखो इनका इसका एम क्या रहेगा भारत नेट प्रोजेक्ट का, अब देखो ये हर किसी को हाई स्पीड नहीं दे सकता, ठीक है, इसका एम रहेगा ये मिनिमम प्रोवाइड करेगा बैंड, मतलब मिनिमम जो इसकी रेंज रहेगी जो रहेगी मतलब 100 Mbps टू ईच ऑफ द 2.5 lakh GPS, ठीक है, इसकी मतलब रेंज थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ये क्या होएगा, ये कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत्स को मिलेंगी, ठीक है। इट विल फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ये क्या करेगा, ई गवर्नेंस प्रोवाइड करेगा। देखो ग्राम पंचायत के लिए जो भी इनिशिएटिव ऊपर से आएंगे वो उनको क्या रहेगा, भारत नेट जो प्रोजेक्ट उनके वहाँ लगा होगा, तो वो वहाँ से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेके क्या कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं ई गवर्नेंस की, ई हेल्थ की। देखो ई जो है वो मतलब ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई बैंकिंग, मैंने ई को एक ही बार लिखा हुआ है, ई एजुकेशन और पब्लिक इंटरनेट एक्सेस सबको मिलेगी। वेदर के बारे में जैसे एग्रीकल्चर के लिए मतलब वेदर के बारे में जानना होगा तो वो ऑनलाइन प्रोवाइड होएगा, एग्रीकल्चर अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया, और ये रूरल इंडिया के लिए है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना, ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो रूरल इंडिया के लिए है, ठीक है। तो इसमें ये जो एग्रीकल्चर और वेदर का बताया हुआ है ये किसानों के लिए है, फार्मर्स के लिए है, विलेजेस में स्पेशली। तो जो ग्राम पंचायत है उनको मतलब फ्री में उनको नेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो मतलब वेदर प्रिडिक्शन मतलब जो भी रहती है मतलब वो ऑनलाइन देख सकें और अच्छे से अपनी फार्मिंग कर सकें, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट जो है मतलब ये जो मतलब भारत नेट प्रोजेक्ट है इसका जो इम्प्लीमेंट है वो 3 फेजेज़ में हुआ है। फर्स्ट फेज़ जो था इसका 31 दिसंबर 2017, विच वॉज़ अचीव्ड, जो हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है।
और जो सेकंड फेज था वो कंप्लीटेड बाय मार्च 2019। ये हम इसका जो सेकंड फेज था वो भी हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड फेज जो है, हमें थर्ड फेज देखना है जो जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 टू 2023, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, जो 23 तक हमें अचीव करना है उसमें क्या रहेगा, विद रिंग टोपोलॉजी विल बी क्रिएटेड। देखो, हमने कंप्यूटर के सेशन स्टार्ट किए हैं, अभी वो हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसमें मैं आपको कंप्यूटर के मतलब नेटवर्क्स के बारे में बताऊंगी, जहाँ पे हम ट्री टोपोलॉजी पढ़ेंगे, बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे ये जो रिंग टोपोलॉजी है, तो रिंग में हम कहीं से भी मतलब इधर से इधर मतलब कनेक्शन हम आसानी से दे सकते हैं। तो इसको एक ये रिंग टोपोलॉजी की तरह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कहाँ पे करेंगे, पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो इसको इनका जो अचीव करने का टारगेट है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये 2023 तक है, ठीक है। और इसको फंडेड कौन करेगा, भारत नेट प्रोजेक्ट को, इसको फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, शॉर्ट में हम बोलेंगे USOF, ठीक है। इज ए स्टेटरी फंड, ये स्टेटरी फंड है, किसके अंडर है, इंडियन टेलीग्राम, जो इंडियन टेलीग्राफ है ना, अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, उसके अंडर जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो भी प्रोजेक्ट करेगा, उसकी जो फंडिंग है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ही करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम, ठीक है, ये काफ़ी लंबा नाम है, तो आप इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखिए, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसके नाम के जैसी सिमिलर और भी स्कीम्स हैं, तो आप यहाँ पे संचार याद रखना, संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम, ठीक है, मतलब लास्ट वाले इसके वर्ड्स याद रखना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इट विल ट्रेन 1000, मतलब 10,000 पीपल को ये ट्रेन करेगा, यूपी से, एमपी से, बिहार से, ओडिशा से, पंजाब से और हरियाणा से, ठीक है। इन फर्स्ट फेज में ये ट्रेन करेंगे लोगों को। क्यों ट्रेन करेंगे ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जो DOT है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, प्लान्स टू इस्टेब्लिश मोर देन, मतलब इनका प्लान है क्या इस्टेब्लिश करने का, मोर देन 1000 संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान, ठीक है। ये जो प्रतिष्ठान है ना, इनको इस्टेब्लिश करने का इनका यही मतलब मेन मोटिव इनका ये है, विच विल ट्रेन यूथ, ये ट्रेन करेंगे यूथ को अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। बड़े सारे हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो IT में अपना कैरियर बनाते हैं और विदेश में जाके विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ के मतलब डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो हमें उनका वहाँ से रेमिटेंस आता है, हमारे GDP के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे मतलब अगर DOT यहाँ पे प्लान करेगा, इस्टेब्लिशमेंट करेगा कुछ ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम यूथ को ट्रेन करेंगे, तो हम भी काफ़ी डेवलपमेंट कर पाएंगे, हम अपनी चीज़ों की कुछ हद तक बाहर जो विदेश में जाके हम चीज़ें करते हैं वो अपने यहाँ करेंगे, तो हमारी GDP में भी बहुत ही अच्छा जो हमारे यूथ हैं उनका कंट्रीब्यूशन होएगा, इसीलिए इस स्कीम को चलाया गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट क्या करना, टेलीकॉम स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन, ठीक है। टेलीकॉम स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन क्या है, जहाँ पे एक स्किल्ड देनी है लोगों को, मतलब मैन पावर को, किस चीज़ के लिए, कि वो मतलब यहाँ पे ही कुछ इनोवेशंस कर सकें और यहाँ पे क्रिएशन होए फॉर द ग्रोथ ऑफ टेली कम सेक्टर, ठीक है, और लिवलीहुड फॉर द यूथ ऑफ द नेशन। देखो, बड़े सारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, बड़े सारे लोग बाहर जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए, इवन बाहर की कंट्रीज़ में काम करते हैं, मतलब हमारी नेबर कंट्रीज़ में लोग जाते हैं काम करने के लिए। अगर हम यहाँ पे ही कोई स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन करेंगे, तो जो टेलीकॉम सेक्टर है मतलब इससे क्या रहेगा, यहाँ पे जॉब जनरेट हुएगी और हमारे यूथ को जॉब मिलेगी और अपनी ही कंट्री में मिलेगी, और वो अपनी ही कंट्री को सर्व करेंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने ही देश के डेवलपमेंट में लगेगा। लास्टली, तरंग संचार, तरंग संचार जो है ये एक वेब पोर्टल है फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टावर्स, ठीक है। ये एक वेब पोर्टल तैयार किया गया था, ये 2017 में किया गया था। ये क्या करता है, एक वेब पोर्टल है जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है मोबाइल टावर्स की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी एमिशन कंप्लियंसिस, ठीक है। ये बताता है कि कौन मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी में अपनी वेव्स जो हैं वो
मतलब प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। ये एक वेब पोर्टल है जो हमें इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब मोबाइल टावर्स की, ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन, ये डेवलप्ड किया गया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, ठीक है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विद इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो, हमने ई गवर्नेंस टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें जो मतलब पूछा गया था हमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसकी जितनी भी स्कीम्स थी मैंने आपको बताई, इसमें से भी जो भी मतलब ई गवर्नेंस की होंगी तो हो सकता है एग्ज़ाम में आए, इसलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें दो तीन वीडियोस और होंगी, और हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम कंप्यूटर का सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे आने वाली वीडियो तक यहीं पे, थैंक यू।